नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। लॉकडाउन जारी है, तमाम जनता परेशान है, लेकिन सरकार ने कई रियायतें भी इस बीच में दे दी। लोग बाहर निकल रहे हैं, बाजार, रेल और अब घरेलू हवाई सेवाएं भी शुरू होने जा रही हैं। लेकिन ऐसे में राजनीति में कोई कमी नहीं आई, कभी किसानों पर तो कभी मजदूर, लगातार राजनीति होती ही रही। ऐसे में देश ने जिसे चुना था वो कैसे जनता हित के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जैसे और भी सवालों के जवाब और कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं आज बारा से विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सचिन जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अजय जी, अगर बात की जाए तो महामारी का दौर चल रहा है, सरकार ने अनलॉक वन का ऐलान कर दिया है, यहाँ पर कई रियायतें यहाँ पर दे दी गई हैं, लेकिन क्या आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तमाम जनता की समस्याओं को किस तरीके से सुन रहे हैं और उनका समाधान किस तरीके से निकाल रहे हैं? देखिए सचिन जी, ये वैश्विक महामारी का दौर है और इस वैश्विक महामारी में हम चाहे सत्ता से जुड़े लोग हों, चाहे विपक्ष से लोग जुड़े लोग हों, सभी लोग एक सामूहिक रूप से मिलके मानवीय आधार पर पूरे क्षेत्र में का ही पूरे प्रयाग के लोगों का जिस तरह से जो जनता का जो लगाव हुआ जिस महामारी से लड़ने के लिए, तो सरकारी कर्मचारी के साथ जिस तरह से जनता जुड़ी, ये निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया में जो इस बीमारी से हम सबसे कम प्रभावित हैं। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने 12 विधानसभा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपने घर परिवार दिन रात अपनी जान मेहनत छोड़ कर जिस तरह से मेहनत किया है, निश्चित रूप से सभी लोग बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आप लगातार जाते रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ सुविधाएं तमाम मजदूरों को, तमाम किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं आपके द्वारा? जी 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 जी, हम लोग की तरफ से आपने देखा होगा, अभी तो हम लोग बहुत फेसबुक ट्विटर से कम जुड़ते हैं, लेकिन जमीन पर जाके हम लोगों ने काम बहुत किया। हमारे यहाँ के जो सरकारी अधिकारी थे, हमारे यहाँ के प्रधान थे, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वह मध्य प्रदेश से लगा हुआ, चाक घाट का बॉर्डर है हमारे यहाँ, शंकरगढ़ के क्षेत्र में चाक घाट का बॉर्डर है, तो दक्षिण भारत से बहुत से लोग वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने लिख के सेवा भारती के माध्यम से पार्टी की तरफ से और हमारे क्षेत्र के बहुत से ग्रामीणों ने जितना अनुदान दे के वहाँ पर अनवरत करीब 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार पब्लिक को अनवरत वहाँ पर भोजन पानी उपलब्ध करा पाना, और जिला प्रशासन से मिलके हम लोगों ने वहाँ पर सचल शौचालय बनवा रखा वहाँ पर जो है, तो कोशिश की है हम लोगों की, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हमने पूरी तरह से सबको पूरी तरह मदद किया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जितना संभव हो सका, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने मदद करके बनारस, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र से आए हुए लोगों, जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, उनको बहुत मदद की और वहाँ से बसों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, बसों के माध्यम से, मिनी बस के माध्यम से लोगों को, हमें यहाँ एक राज्य विश्वविद्यालय पर हमारे यहाँ बना है संसाधन केंद्र, वहाँ पे लाके भोजन करके वहाँ से फिर लोगों को स्थानीय जगह पर पहुँचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर हैं, अगर बात की जाए इस महामारी के दौर में तमाम स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार कार्य कर रहे हैं, बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं तमाम जनता की सेवा में कि इस वायरस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, आपके नजरिए से अगर बात की जाए आपके नजरिए से तो क्या लगा इस महामारी के दौर में डॉक्टरों ने क्या कुछ उदाहरण जो है वो पेश किया है? एक इसमें जो संशोधन कर लें, मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हिंदी साहित्य का डॉक्टर हूँ, हिंदी साहित्य से मेरा PhD है, तो इसमें हम लोगों ने जो डॉक्टर वगैरह से जो मदद ली है, जो जानकारी हुई है, वो उनका काम है, प्रयास करेंगे। दुनिया में जिस तरह से लड़ाई चल रही है और मैं समझता हूँ कि सबसे जल्दी वायरस का जो खोज निकल आएगा वो यही वैक्सीन आएगी हमारी। और जैसा कि आपने कहा कि आप लगातार मजदूरों की मदद कर रहे हैं, तमाम किसान की सेवा जो है वो आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो कई सवाल जो है वो खड़े कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात की जाए, चाहे वो सपा की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, लेकिन लगातार
ये पार्टियां कह रही हैं कि तमाम मजदूर जो हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे? दरअसल में देखिए क्या है, ये तो राजनीतिक दल है और राजनीति है, सबको कहीं ना कुछ कहना है, राजनीति में कुछ ना कुछ तो कहना है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को सकारात्मक सोच के साथ इसको जो है इसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, इसमें सकारात्मक सोच के साथ क्या हम लोगों ने किया, क्या सरकार कर रही है, जो जो सरकार में कहीं कमियां हैं उसमें मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है, किसी दल पर कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों को ये चाहिए था कि जो कमियां रह गई हैं, जो दिख रही कि ये कमियां रह गई है, उनको आगे बढ़ के उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए था, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। कि तब ये सरकार के साथ कहते हैं कि सरकार ये कमियां कर ये काम किया, ये काम छूट गया जिसको हम लोगों ने पूरा किया, तो मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा अच्छा बधाई दिया जा सकता था। फिर भी उन लोगों का भी सहयोग सराहनीय रहा, सरकार की इन कमियों को इंगित किया, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अभी आज ये समय नहीं है, ये दौर नहीं है कि कमियों को इंगित करने का समय नहीं है, कमियों को पूरा करने का समय जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम कमियों को पूरा करने की जरूरत जो है वो इस वक्त है। लेकिन अगर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम विपक्ष जो ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रेन की सेवाएं चालू कर दी गई उसमें कई दिनों तक खाना जो है वो नहीं मिल पा रहा है, ट्रेन लेट चल रही है, जाना कहीं और है और किसी और स्थान में पहुंच रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी की तो लापरवाही बढ़ती जा रही है, आखिर उस पर कब तक कार्रवाई होगी? ये निश्चित रूप से इस मानवीय दौर में, इस महामारी के दौर में हर आदमी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से त्रस्त है, बेचारे 24 घंटे लग के काम कर रहे हैं, हमको उनको मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, उन्हें भी अपना परिवार है, समाज है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब किस स्तर पर एक गलती हुई है निश्चित रूप से पर जाँच की जाएगी, और जहाँ गलती हुई है और जिस स्तर पर गलती हुई है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, पर यह है कि अब इस समय गलती ढूंढने का समय नहीं है, अगर किसी को दंडित करने का समय नहीं है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। अजय जी, विपक्ष ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। अगर आज की बात की जाए तो यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने एडवाइजरी जो है वो जारी किया है, क्या लगता है जितनी छूट दी गई है क्या वो सही है? मैं समझता हूँ जो सरकारें कर रही हैं बहुत चिंतन मनन और सोच के बाद उन्होंने किया होगा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंकड़े बैड डाटा इकट्ठा किया है, और जो अब दुनिया से आप देखेंगे तुलना करेंगे तो दुनिया से हम जितनी आबादी है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हमें इस कितनी आबादी के बाद हमारी सबसे कम कैजुअलिटी हुई है, तो निश्चित रूप से सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। विपक्ष को जो अच्छा काम हो, अच्छा विपक्ष की पहचान भी ये है, अच्छा विपक्षी काम है, जो अच्छा काम हो उस पर बधाई भी देना चाहिए, लेकिन जो काम अच्छा नहीं कर पाए उसकी सरकार को इंगित करना चाहिए। तो अगर जो लोकतंत्र में जब आप इंगित करते हैं तो वो कमियों की ओर हमारा ध्यान जाता है, तो हम उस कमियों का सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो जो कमियां रह गई हो निश्चित रूप से अब ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है, विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है कि हम उनकी कमियां बताएं वो हमारी कमियां बताएं, और निश्चित रूप से समन्वय सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है, दुनिया में ऐसा लोकतंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखेंगे तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आने वाले समय में अगर बात की जाए अजय जी, तो एक सत्ता में पार्टी जो है वो आपकी है, तमाम दिग्गज नेता आपके हैं, क्या लगता है आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाएगी आपके द्वारा कि जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का समाधान होगा, किसानों के साथ जो मानवीय व्यवहार हो रहा है वो दूर होगा, तमाम मजदूर जो इस वक्त रोजगार के लिए तड़प रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा? देखिए सरकार की स्तर पर जो त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, गांव में लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है, मजदूरी के लिए काम मनरेगा के माध्यम से मिल रहा है, एकाएक इतनी बड़ी जनसंख्या को एकाएक कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती। ये देखिए एक बीमारी भी कोई वैसी नहीं आई है कि हम बीमारी के लिए पहले से तैयार जाएं, एकाएक बीमारी आई है, अब सरकार बीमारी आई है पहले बीमारी को रोकने का प्रयास किए, लॉकडाउन के माध्यम से कम करने का प्रयास किए, अब इस पर भी निश्चित रूप से हमारे यहाँ सरकार ने आयोग गठन कर लिया है, प्रवासी मजदूर आयोग गठन किया है, उसमें कैसे लोग किस तरह से लोग काम करेंगे उसके लिए एक समय चाहिए थोड़ा सा, बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है सरकार की तरफ से सत्ता दल विधायक होने के नाते से ये जरूर है कि खाने के बिना कोई मरेगा नहीं और स्वास्थ्य के बिना कोई नहीं मरने पाएगा, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जितना हमारे
सत्ता की विधायक है, मैं विपक्षी विधायकों को भी कहता हूँ, जो विपक्ष के विधायक हैं जो जीते हैं वो, जो नहीं जीते जनप्रतिनिधि वो लोग भी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मानवीय संवेदनाएं सबके अंदर, हम सब इस समाज से आते हैं तो इस समाज के आने के नाते हम सब एक मानवीय संवेदनाएं हैं, तो निश्चित रूप से हर लोग जो सर विपक्ष जो भी हमको इशारा करेगी, जो सरकार को बताएगी, जो हम लोग बताएगी, निश्चित रूप से उसको हम लोग मिल के साथ। अजय जी, जो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं इस वक्त में अगर देखा जाए तो कई लोग मर भी रहे हैं, विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है कहीं ना कहीं वो भी सही है, क्योंकि ट्रेन में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई जो कई दिनों से खाए नहीं है, पानी नहीं मिल रहा उनके हलक को शांत करने के लिए, इन तमाम चीजों पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए क्या है सचिन जी, क्योंकि बहुत से लोग आने से पहले इतनी व्याकुलता, लोगों को घर पहुंचने में इतनी व्याकुलता है, तो लोग भूख प्यास से तो मैं समझता हूँ कम है, उनकी जो व्याकुलता है जल्दी घर पहुंच जाना है, और रास्ते में भी जिससे पानी की ट्रेनें कहीं रुक नहीं पा रही हैं, व्यवस्था नहीं है कर पा रही, तो मैं समझता हूँ जो विपक्षी लोग आलोचना करते हैं, अच्छा होता कि विपक्ष हमारे सत्ता पक्ष लोग तो कर भी नहीं, हम लोग दर दर लगा के कैंटीन लगा के यही करके व्यवस्था कर रहे हैं, तो विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी थी, अगर हम सत्ता में हैं तो विपक्ष भी कल सत्ता में होगी बाहर होगी, तो सत्ता में होने का ये मतलब नहीं कि हमारी जिम्मेदारी, विपक्ष में होने का मतलब नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म, विपक्ष में जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उतना ही जिम्मेदारी विपक्ष की होती, अच्छा होता पानी की व्यवस्था कराते, जो सुविधा जो संसाधन उनके पास उपलब्ध होते, भोजन की व्यवस्था कराते राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन से मिलके, तो ये ज्यादा अच्छा होता कि काम करते तो शायद कैजुअलिटी हम लोग कम कर पाता। अजय जी, चाहूंगा मैं कि आप जनसत्य न्यूज के माध्यम से क्या जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से रहे, वो किस तरीके से सुरक्षित रहे और क्या करे? देखिए सचिन जी, इस समय WHO का भी निर्देश है, राज्य सरकार और जो हमारे देश के डॉक्टर उनका भी निर्देश है, जो हमारे पंच मंत्र है उसका अनुकरण करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाए रहना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए, बाहर कम से कम निकलना चाहिए, तो इस तरह से जो हमारे पंच मंत्र है उसका अनुकरण तो निश्चित रूप से करना चाहिए अभी इस समय, अभी पर जब तक वैक्सीन नहीं आती, और बहुत आवश्यक। अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको चैनल पर आने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, कहा कि किस तरीके से आने वाले समय में हम प्लानिंग करने वाले हैं देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए और किसानों के लिए किस तरीके से कार्य करने वाले हैं, ये आने वाले समय में ये हमारी प्लानिंग जो है वो होने वाली है। आपको हमारा खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे फेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।